सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। कुएं में गिरा शव सुरक्षित बाहर निकाला गया, पीएम ने किया जलापूर्ति योजना का शुभारंभ। एसपी में अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की डूबने से मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुएं में गिरने से शव को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ब्रह्मपुरी में वन विभाग के अंतर्राष्ट्रीय आने वाले नागबिड़ वन क्षेत्र के अंतर्गत चिंचोली के पास सलीम कोरिया के खेत के किनारे एक कुएं में 2-3 महीने का बाघ का शव बुधवार की शाम गिर गया। खेत में काम करने वाले मजदूर जब कुएं के पास गए तो उनके कुएं में बाघ शव को पड़ा देखा हुआ नजर आया, जिसकी घटना की जानकारी मिलते ही तालोबा बालाधुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी अरुण कनवारे को बुलाया गया। वन विभाग की टीम तथा सवैन नेचर केयर संस्था के सदस्यों ने सौभाग्य और सहायता से कुएं में गिरे शव और परिस्थिति को बाहर निकाला गया। चिकित्सक परीक्षण के बाद शव को घटनास्थल के पास ले गए। कुछ देर के बाद शावक अपनी मां के साथ सुरक्षित जंगल में पहुंच गया। वागिन भी अपने शव का इंतजार कर रही थी, जिससे वह कर्मचारी और राहत की सांस ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम ने किया जलापूर्ति योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से राज्य में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इससे कार्यक्रम के प्रशासन की सुविधा विभिन्न स्थानों पर दी गई, जिसके चलते सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत सातारा शहर की स्वचालित जल योजना का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी कार्यक्रम के बीच नगर पालिका के भवन में प्रशिक्षण प्रशासन और सुविधा के साथ ली गई। अकोला शहर के 112 करोड़ रुपए के लागत में कई पाइपलाइन में साथ ही जलापूर्ति का आयोजन हुआ, जिसके चलते 100 ऊर्जा उत्पादन योजना का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगर निगम सभारण में स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। एमपी में अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की डूबने से मौत। मध्य प्रदेश के बुधवार को अलग अलग घटनाओं में धार्मिक अनुशासन करते समय 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई। अधिकारी घटनाएं सवारदात पर पहुंचे, जिसके चलते पीड़ित व पितृ अमावस्या के अवसर पर नदी में डूबकी लगाने आए थे। इसके अधिकारियों ने बताया कि रोगल जिले में बलवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरला नदी में दोनों बहनें समेत 3 लड़कियां बह गई और जबकि एक अन्य लड़की बच गई। पुलिस अधिकारी ने मोहन सिंह ने बताया कि शाहपुर जिले में 30 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसका 19 वर्षीय भतीजा लापता हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी ठाकुर ने बताया कि मुरैला जैन में राहुल कुशवार 18 वर्षीय ब्लेटा बुस्की नदी में बहने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधिकारी रमेश रुवांशी ने बताया कि खटवा जिले के रेणु पाटीपाद और निगरानी पंडिकार्थ ने अवशेषण में चलते हुए स्नान करते समय डूबने से मौत हो गई। वक्त हो चाहे दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।